Two heating elements of resistances R1 and R2, when operated at a constant voltage supply V, consume powers P1 and P2. Deduce the expression for power of the combination when they are in turn connected in series and in parallel across the same voltage supply. ठीक है, अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं V स्क्वायर से बोथ साइड्स, क्योंकि हमने बोथ साइड्स क्योंकि हमें दोनों को सेम पावर सोर्स पे लगाया था। ये बल्ब था, ऐसे भी सेम वोल्टेज सोर्स से लगाया और दूसरा बल्ब भी सेम वोल्टेज सोर्स से लगाया था, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 1/P लिखा हुआ है, एक्चुअली में 1/P1 प्लस 1/P2। तो सीरीज में पावर का फॉर्मूला ये होता है, अगर ध्यान रखें तभी होता है जब वोल्टेज दोनों के लिए सेम यूज की जा रही हो। तो अब डिड्यूस द एक्सप्रेशन, अब हम पैरेलल में लगाए तो इन केस ऑफ पैरेलल 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, क्योंकि वोल्टेज सेम अप्लाई की गई है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्या आया आंसर, पावर टोटल इज इक्वल टू पैरेलल में P1 प्लस P2। रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें सीरीज में पैरेलल में उल्टा होता है रेजिस्टेंस का।